hello students how are you i hope you all are fine and doing well in last video i have started the topic mutation in which i have discussed about gene mutation now in this video i'm going to discuss about the another type of mutation that is chromosomal mutation so let us start the class we will study the another type of mutation that is chromosomal mutation now chromosomal mutation exactly care this chromosomal mutation is the change इन क्रोमोजोम नंबर और क्रोमोजोम स्ट्रक्चर या तो क्रोमोजोम्स के नंबर में चेंज हो जाए या फिर क्रोमोजोम के पर्टिकुलरली किसी क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए तो ऐसे जो भी चेंजेस होते हैं क्रोमोजोम्स में पूरा हम क्रोमोजोम्स की बात कर रहे हैं डीएनए की नहीं अब यहां डीएनए की बात नहीं डीएनए के साथ साथ हम पूरे क्रोमोजोम सिर्फ स्पेसिफिकली डीएनए की बात नहीं करेंगे डीएनए के साथ साथ क्रोमोजोम्स की बात कर रहे हैं तो क्रोमोजोम्स के नंबर या फिर उसके स्ट्रक्चर में चेंज आए उसे हम कहते हैं क्रोमोजोमल म्यूटेशन नो दिस क्रोमोजोमल म्यूटेशन इज ऑफ टू टाइप जीनोमिक म्यूटेशन एंड क्रोमोजोमल एब्रेशन दो तरह के होते हैं जीनोमिक म्यूटेशन एंड क्रोमोजोमल एबरेशन नो जीनोमिक म्यूटेशन इट ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन क्रोमोजोमल नंबर क्रोमोजोम्स के नंबर में अगर चेंज आए तो जीनोमिक म्यूटेशन कहते हैं मीन्स की जीनोम में किसी तरह की चेंज अब जीनोम क्या है जैसे कि ह्यूमन बींग्स की बात करें तो जो 46 सिक्सोजोम है तो 46 सिक्सोजोम ट्वेंटी थ्री पेयर्स में मीन ये 23 और ये 23 जो कि पेयर्स में है तो ये ये एक सेट और ये दूसरा सेट राइट right? दोनों मिला के बनाते हैं टू एन यानी 46 ठीक है तो ये जो कंप्लीट सेट है टू सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स टू सेट्स ऑफ कम्पलीट क्रोमोजोम्स मीन टू सेट एक सेट ट्वेंटी थ्री का और एक सेट ट्वेंटी थ्री का दंप्लीट टू सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स कंसिस्ट दी जीनोम मीन्स ह्यूमन बींग्स का जीनोम कितना है जीनोम क्या है इट इज दू सेट ऑफ क्रोमोजोम्स ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री सेट्स ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम्स के दो सेट जो है उसे हम कहेंगे जीनोम और कितने क्रोमोजोम्स हैं 46 सिक्स क्रोमोजोम्स हैं या फिर हम कह सकते हैं ट्वेंटी थ्री पेयर्स तो अब ये जो भी चेंजेस अगर ये जो कंप्लीट सेट में मीन्स जो पूरा का पूरा जो 2n है उस कंप्लीट सेट में किसी तरह के नंबर्स में चेंज आ जाए या फिर ये जो क्रोमोजोम्स के नंबर हैं इंडिविजुअल पेयर्स में या इंडिविजुअली इसके नंबर्स में कोई चेंज आए तो ये किसी भी तरह के जो क्रोमोजोम्स के नंबर में चेंज आएगा उस चेंज को कहते हैं जीनोमिक म्यूटेशन ओके अब जीनोमिक म्यूटेशन जो है वो दो तरह का होता है एक पॉलीप्लॉयडी और दूसरा एन्यूप्लॉयडी पॉलीप्लॉयडी क्या होता है प्लॉयड प्लॉयड पहले जाने हम लोग जो है जो भी ह्यूमन बींग्स है हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं राइट डिप्लॉयड ये डिप्लॉइड है यानी दो और प्लॉयड क्या प्लॉयड जो क्रोमोजोम्स के सेट है यानी एन ठीक है तो ये क्रोमोजोम का सेट एन प्लॉयड राइट एंड डाई फॉर टू तो टू एन ओके अगर अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में टू एन से जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उसमें ये दो सेट एन प्लस एन यानी ये दो सेट के अलावा एक और सेट एड हो जाए मीन्स प्लस एन और यानी अब ये टू एन से क्या हो जाएगा इट विल बिकम थ्री एन तो अगर किसी भी तरह का जो चेंज आता है जिसके वजह से जो जीनोम का नंबर है पूरा जीनोम का जो सेट है वो बढ़ जाए एक सेट और ऐड हो जाए जैसे ह्यूमन बींग्स में 46 सिक्स जो है वो 23 23 पेयर्स में है राइट तो ये जो है ये एक एन और ये एक एन यानी एन प्लस एन टू एन अगर इसमें एक और एन जुड़ जाए तो ये हो जाएगा थ्री एन तो ये जो ह्यूमन बीइंग होगा उसमें किस तरह की म्यूटेशन हुई है उसमें पॉलीप्लॉयडी म्यूटेशन हुई है पॉली मीन्स एक से ज्यादा ठीक है एक से ज्यादा और मीन्स जो हमारे पास है बहुत सारा जिसको हम कहते हैं पॉली मीन्स बहुत सारा जैसे अमीनो एसिड्स ठीक है पॉलीपेप्टाइड हम जिसे कहते हैं बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर के पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं जैसे हम प्रोटीन्स कह रहे होते हैं तो प्लॉयडी अगर सेट में चेंज हो जाए एक्स्ट्रा सेट आ जाए क्रोमोजोम का तो उसे हम कहते हैं पॉलिप्लॉयडी ठीक तो पॉलिप्लॉयडी क्या है इट इज अ फेनामिना इन विच अ ऑर्गेनिज्म कंटेन्स मोर देन टू सेट्स ऑफ क्रोमोजोम अगर कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उसमें एक से ज्यादा सेट प्रेजेंट हो क्रोमोजोम के उसे हम पॉलिप्लॉयडी कहते हैं जनरली ये होता क्यों है एनाफेज या तो एनाफेज वन के दौरान जो आप लोग जानते हैं कि एनाफेज वन में क्या होता है एनाफेज वन में जो है चेंजेस आते हैं अब जैसे ये एक क्रोमोजोम है ये होमोलोगस क्रोमोजोम्स है ओके okay? ये होमोलोगस क्रोमोजोम है तो एनाफेज वन में होता क्या है एनाफेज वन में ये जो क्रोमोजोम्स है होमोलोगस क्रोमोजोम दो सेल्स में चले जाते हैं दो अलग सेल्स में राइट right? और फिर फर्दर इसमें होता क्या है ये टू एन है राइट right? अब ये दो सेल्स में चलेगा यानी एन एन और फर्दर ये चार जो क्रोमेटिड्स हैं ये अलग अलग चार गैमेट्स बनाते हैं यानी ये भी एन एन है राइट अब जब भी इसके साथ कोई एन गैमेट मिक्स होता है या फ्यूज होता है तो ये जनरल एक ऑर्गेनिज्म बनाता है जो कि टू एन वाला डिप्लॉयड वाला होगा ठीक है अगर अगर यहां पर ऐसा ना हो एनाफेज वन में ऐसा ना हो मीन्स तो मान लो कि ये जो है ये क्रोमोजोम्स जो है होमोलोगस क्रोमोजोम जो कि एनाफेज वन में अलग अलग हो रहे थे मान लीजिए ये दो सेल्स में ना जाने के बजाय ये अलग हो ही नहीं पाए किसी वजह से और ये दोनों एक ही सेल में आ गए तो अब जो गैमेट बनेंगे वो क्या होगा जो गैमेट बनेंगे इसमें कोई भी सेल्स नहीं कोई भी जो क्रोमोजोम्स वो नहीं होगा और इसमें इसमें क्या होगा इसमें जो होंगे वो दोनों ही ये जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं दोनों इसमें आ जाएंगे राइट ये दोनों आ जाएंगे तो ये 2n का बन गया ये भी 2n का बन गया राइट ये 2n है ये भी 2n है और ये भी 2n 2n है मीन्स यहां पर किसी तरह की जो है जो सेपरेशन होती है वो हुई ही नहीं तो अब अगर यहां पर कोई एन गैमेट मान लो कि ये एग बना और ये एन स्पर्म आया तो ये मिलके क्या बना देगा ये बनाएगा 3n यानी ये ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्मिप्लॉयड नॉर्मल डिप्लॉयड होने के बजाय ट्रिप्लॉयड हो जाएगा जो जहां पर थ्री एन हो एक से ज्यादा मीन्स दो टू एन दो सेट से ज्यादा एक और सेट जुड़ जाए तो वो कंडीशन हो जाती थ्री एन अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो टू एन है वो साथ में ऐसा ही कोई टू एन वाला गैमेट आ जाए तो अगर टू एन टू एन एक साथ होंगे तो क्या बन जाएगा मान लो कि ये एक टू एन वाला गैमेट था और एक एन वाला गैमेट तो इसने मिलकर बनाया थ्री एन तो इस कंडीशन को इस तरह की पॉलीप्लाइड Ploidy को कहते हैं ट्रिप्लॉयड okay? क्योंकि तीन है टू एन को क्या कह रहे थे डिप्लॉयड तो अगर एक इसमें और जुड़ा तो ट्रिप्लॉयड अब मान लो कि टू एन बना और जो दूसरा जो मेल है उसकी भी गैमेट में फॉर्मेशन के दौरान जो है कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई मीन्स एनाफेज वन में कुछ भी सेपरेशन नहीं हुआ क्रोमोजोम्स का तो क्या होगा उसका भी जो गैमेट होगा वो 2n होगा तो 2n और 2n मिलके क्या बना देंगे 4n तो अब यहां पर क्या है 4 यानी ये जो कंडीशन हो जाएगी ये हो जाएगी टेट्राप्लॉयड टेट्रा मीन्स फोर टेट्राप्लॉयड टे कंडीशन ओके तो सिंपली जो पॉलीप्लॉयडी एक ऐसा म्यूटेशन है जीनोमिक म्यूटेशन जिसमें ऑर्गेनिज्म कंटेन्स मोर देन टू सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स ठीक है या मोर देन मोर देन टू जीनोम्स आप कह सकते हैं जीनोम्स में ही चेंज आ गया क्यों हो रहा है क्योंकि एनाफेज एनाफेजन में या फिर आइदर साइटोकाइनेसिस या टेलोफेज किसी स्टेज में क्रोमोजोम्स का जो जो सेपरेशन होता है वो नहीं हो पाया सेल्स डिवाइड नहीं हो पाए इस वजह से एन ये जो ऑर्गेनिज्म होगा जो पॉलीप्लॉयडी शो करता है उसे हम कहते हैं पॉलीप्लॉइड ऑर्गेनिज्म शोइंग पॉलीप्लॉयडी इज नोन एज पॉली ओके okay? उस ऑर्गेनिज्म को फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ह्यूमन बींग में ट्रिप्लॉयड है वो ट्रिप्लॉयड है राइट एन 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 है उसमें सेट सेट के बजाय मीन ट्वेंटी थ्री एक सेट दूसरा सेट ट्वेंटी थ्री का और तीसरा सेट भी ट्वेंटी थ्री का तीन सेट आ गए ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम के तो वैसा जो ह्यूमन बींग होगा वो पॉलीप्लॉयड कहलाएगा ओके वैसे ये पॉलीप्लॉयडी कंडीशन एनिमल्स में डिप्लॉयड एनिमल्स में तो म्यूटेशन है बट कई प्लांट्स ऐसे होते हैं प्लांट्स में भी म्यूटेशन है बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पॉलीप्लॉयडी शो करते हैं एन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्रोमोजम सेट ऑर्गेनिजम्स जो है ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे या तो वो ट्राइप्लॉयड कहलाए राइट या फिर वो टेट्राप्लॉयड कहलाए जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें पॉलीप्लॉयडी दिखी अगर उसे पॉलीप्लॉयड कहते हैं तो जिसमें थ्री एन है तो वो ऑर्गेनिज्म ट्राइप्लॉयड जिसमें फोर एन है वो टेट्राप्लॉयड या फिर म्यूटेशन के नाम पे बात करें तो ट्राइप्लॉयडी टेट्राप्लॉयडी ओके okay? तो पॉलीप्लॉयडी इज चेंज इन सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स जीनोम्स में चेंज राइट अब नेक्स्ट है एन्यूप्लॉयडी एन्यूप्लॉयडी में क्या होता है एन्यूप्लॉयडी इज अ कंडीशन विच हैव एक्स्ट्रा क्रोमोडोम्स इसमें हम सेट नहीं कह रहे हैं मीन्स यहाँ तो पूरी की पूरी सेट ही चेंज हो जा रही है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री के दो सेट है तो पूरा ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम एक्स्ट्रा और एड हो जा रहा है ओके okay? तो यहां पर पूरा सेट ही चेंज हो रहा है नंबर पूरे सेट में चेंज हो रहा है बट एन्यूप्लॉयडी में क्या होता है एन्यूप्लॉयडी में क्रोमोजोम किसी पर्टिकुलर एक कोई एक क्रोमोजोम बढ़ गया या दो क्रोमोजोम बढ़ गया या एक या दो क्रोमोजोम कम हो गए तो यहां पर क्रोमोजोम्स पर्टिकुलर एक क्रोमोजोम के नंबर का जो है वो चेंज होता है अब ये क्यों होता है ये होता है जैसे यहां पर एनाफेज वन में जो है सेपरेशन नहीं सेपरेशन यहां, यहां नहीं हो रहा था एनाफेज टू में क्या होता है एनाफेज टू में आप जानते हैं कि ये जो क्रोमोजोम्स हैं इसकी जो है ये क्रोमेटिड्स अलग अलग चले जाते हैं ठीक है ये अलग अलग गैमेट्स में जाते हैं बट अगर ये सेपरेशन नहीं हो पाया तो क्या होगा फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये जो है ये ये जो होमोलोगस क्रोमोजोम्स हैं मान लो कि एनाफेज वन तो सही से ही निकला ठीक है होमोलोगस क्रोमोजोम्स yeah. जो है वो अलग अलग चले गए बट अब जब गैमेट्स बनने की बारी आई जब ये सिस्टर क्रोमेट्स अलग होते हैं इमेजिन कि इसमें तो ठीक है ओके okay? लेकिन एक गैमेट ऐसा बना जिसमें कुछ भी नहीं आया और इसमें दोनों के दोनों आ गए राइट right? दोनों क्रोमोजोम्स आ गए अब यहां 23 थ्री क्रोमोजोम्स के बजाय 22 टू प्लस टू यानी यहां पर 24 फोर क्रोमोजोम आ गए और यहां पर सिर्फ 22 टू है यानी यहां 24 है और यहां 22 एक में 24 आ गया और दूसरे में 22 आ गया किसी एक कोई एक होमोलोगस पेयर जो है इस 23 थ्री पेयर्स में से कोई एक होमोलोगस पेयर जो इस पूरे ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम जो क्रोमोजोमल पेयर्स हैं राइट ये 46 सिक्स क्रोमोजोम्स के 23 थ्री पेयर है कोई एक जो है वो सेपरेट नहीं हो पाया तो इसके वजह से जो गैमेट बनेगा उसमें एक में 24 फोर क्रोमोजोम्स होंगे और दूसरे में 23 थ्री ट्वेंटी टू क्रोमोजोम्स होंगे ओके तो या जब भी बनता है तो एक 23 का बनता है दूसरा 23 का बनता है ये भी 23 और ये भी 23 तो दो तो 23 वाले बने मगर एक में 24 फोर क्रोमोजोम आए और दूसरे में 22 तो ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है गैमेट्स में अगर ट्वेंटी थ्री पूरे क्रोमोजोम नहीं हुए तो राइट तो ये जो कंडीशन होती है इसे हम इस कंडीशन के वजह से एन्यूप्लोइडी होती है राइट तो मान लो कि ट्वेंटी फोर क्रोमोजोम्स वाले ट्वेंटी फोर क्रोमोजोम वाले ये इमेजिन ये, ये एग है उससे एक नॉर्मल ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम वाला स्पर्म अगर आके फ्यूज होता है तो क्या बनेगा बताइए क्या बनेगा इससे जो टोटल क्रोमोजोम आएंगे वो 46 सिक्स के बजाय क्या होंगे 47 सेवन यानी हमारी 46 सिक्स क्रोमोजोम में एक क्रोमोजोम एड हो गया राइट right? किसके साथ जब ट्वेंटी फोर वाले के साथ अगर फ्यूज किया और अगर ट्वेंटी टू वाले एग के साथ अगर नॉर्मल ट्वेंटी थ्री वाला स्पर्म ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम कंटेनिंग स्पर्म आकर के यहां पर ऐड होता है या फ्यूज होता है तो अब यहां पर कितने क्रोमोजोम्स होंगे 45 यानी 46 में से माइनस वन यानी एक में एक ज्यादा नंबर एक क्रोमोज़ोम बढ़ गया और दूसरा वाला जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें एक क्रोमोजोम कम हो गया तो ये जो बढ़ना और घटना है क्रोमोजोम्स के एक नंबर या दो नंबर का उसे हम कहते हैं एन्यू तो एन्यू किसके वजह से होता है इन दी सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग एनाफेज टू एनाफेज टू के दौरान जो क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होता है ये जो क्रोमेटिड का अगर वो सही तरीके से नहीं हुआ 23 थ्री यहां पर फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स है यहाँ पर 23 23 ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम्स आए अब क्रोमेटिड्स अलग होकर के 23 इसमें क्रोमेटिड 23 इसमें 23 और इसमें और 23 इसमें मीन्स चार जगह डिवाइड होते हैं अगर किसी भी एक में जो कोई एक क्रोमोजोम या दो क्रोमोजोम एक दूसरे से जो है क्रोमेटिड्स अलग नहीं हो पाए तो एक में 24 बन जाएगा और दूसरे में 22। एक गैम में ट्वेंटी क्रोमोजोम का हो जाएगा और दूसरा 22, राइट तो इसके वजह से जब फ्यूजन होगा स्पर्मिया एग से नॉर्मल तो क्रोमोजोम या तो क्रोमोजोम नंबर एक ज्यादा होगा या क्रोमोजोम नंबर एक कम होगा या फिर क्रोमोजोम नंबर दो ज्यादा हो जाए और दो कम हो जाए तो एन्यप्लाइडी जो है वो दो तरह का होता है कम और ज्यादा नंबर क्रोमोजोम्स के हैं उसके अकॉर्डिंग एक होता है हाइपर और दूसरा होता है हाइपोप्लाइडी हाइपर मींस ज्यादा हाइपोमीन्स कम ओके अब देखें कि हाइपरप्लॉयडी अगर हाइपर की बात करें तो 46 को हम क्या कहते हैं इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं ऐसे 46 को हम 2n लिख सकते हैं क्योंकि डिप्लॉयड है अब इसमें एक और एक्स्ट्रा जुड़ गया है यानी प्लस वन राइट तो प्लस वन अगर इसमें एक क्रोमोजोम और जुड़ गया 46 को हम 2n लिख रहे हैं ये सिक्स क्रोमोजोम यानी टू इंटू ट्वेंटी थ्री तो 46 हो जाएगा तो 46 में एक जुड़ गया है तो इसे हम किस तरह का कंडीशन कहते हैं इसे हम कहते हैं किस तरह का हाइपरप्लॉइडी है ये इट इज अ ये किस तरह कंडीशन ट्राइजोमिक मान लो कि ये, ये वाला कंडीशन क्या हुआ कि इसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ा था अब एक और कंडीशन हो सकता है कि इसमें एक के बजाय दो जुड़ जाए राइट किसी क्रोमोजोम में जो क्रोमोजोम पेयर में एक के बजाय दो क्रोमोजोम्स अगर जुड़ जाए तो क्या होगा यहां 46 में प्लस टू मीन्स ये तो कंप्लीट 46 हो गया बट ये जो दो एक्स्ट्रा क्रोमोजोम्स आए हैं वो मीन्स यहां पर प्लस टू तो अब ये कैसी कंडीशन हो गई ये कंडीशन हो जाएगी टेट्राजोमिक मीन्स अगर डिप्लॉयड सेट है जो ये है 46 उसमें, तो उसमें तो हाइपरप्लॉयडी अब हाइपोप्लॉयडी में क्या होता है में जस्ट उल्टा जैसे कि ये वाली कंडीशन थी अगर ट्वेंटी टू नंबर ऑफ क्रोमोजोम है और दूसरे में ट्वेंटी थ्री है तो जब ये ऐड हो रहे हैं तो क्योंकि इसमें एक क्रोमोजोम कम है तो 45 ही होगा 45 कैसे होता है फोर्टी सिक्स माइनस वन इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं तो 46 को अगर हम 2n लिखेंगे तो 2n एन माइनस वन राइट तो अब ये जो कंडीशन है वो क्या कर ये क्या कहलाएगी ये कहलाएगी मोनोजोमिक ये मोनोजोमिक कहलाएगी मीन्स एक क्रोमोजोम हट गया इसमें से और अगर जैसे कि इनसे यहां से अब ये क्रोमोजोम से ये तो एड हुआ था अब इमेजिन की इसमें से इस वाले पेयर में से एक हट जाए क्रोमोजोम राइट तो 2n जो 46 सिक्स क्रोमोजोम में से ये एक दो गिनकर 46 सिक्स क्रोमोजोम है तो इस 46 सिक्स क्रोमोजोम से अगर एक क्रोमोजोम रिमूव हो गया ड्यू टू डिसजंक्शन अगर क्रोमेटिड्स अलग ना हो पाए फेज टू में तो उस प्रोसेस को कहते हैं नॉन डिसजंक्शन अलग अगर क्रोमेटिड्स अलग हो रहे हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डिसजंक्शन अगर ना हो पाए तो नॉन डिसजंक्शन तो नॉन डिसजंक्शन की वजह से अगर मान लो कि जो एक इसमें से कहीं ना कहीं से एक जो है वो अलग अगर कम हो जाए राइट तो 46 के बजाय 45 हो गया तो उस कंडीशन को कहते हैं मोनोजोमिक और अगर किसी भी वजह से दोनों के दोनों पेयर ही गायब हो जाए यानी दो क्रोमोजोम्स निकल जाए तो 46 सिक्स यानी टू एन इज्कवल टू फोर्टी सिक्स माइनस टू यानी टू एन माइनस टू तो इस कंडीशन को कहते हैं नल्ली जोमिक नली जोमिक इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा ये जो एक क्रोमोजोम का जो पेयर था वो सेट जो है वो गायब हो गया कंप्लीट ही, वो जो जो क्रोमोजोम का जो पेयर है वो जो पेयर ही गायब हो गया इस वजह से हम लोग कहते हैं नल्ली जोमिक टू एन माइनस टू कंडीशन को कहते हैं नल्ली जोमिक अभी जो ट्राइजोमिक यहां पर क्रोमोजोम है वो ट्रिप्लीकेट्स कहलाते हैं जिन भी ऑर्गेनिजम्स में ऐसा हो तो उसे हम ट्रिप्लीकेट्स कहते हैं राइट अब ये जो एनिप्लॉइडी है जिसमें एक क्रोमोजोम जो है आ, ऐसी भी कंडीशन होती है जहां पर एक क्रोमोजोम चार बार रिप्रेजेंट हो, रिप्रेजेंट हो जाता है मीन्स उसमें फोर जुड़ जाता है टू एन प्लस फोर हो जाता है ऐसा भी कंडीशन हुआ है तो ये प्लांट्स में होते हैं जैसे कि एप्पल और पियर इसमें भी इसमें इस तरह के जो है चेंजेस आते रहते हैं ओके सो इट वॉज ऑल अबाउट वन टाइप ऑफ क्रोमोजोमल म्यूटेशन दैट इज जीनोमिक म्यूटेशन नॉ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रोमोजोमल म्यूटेशन इज क्रोमोजोमल एबरेशन तो क्रोमोजोम्स में चेंज कैसे हो सकता है क्रोमोजोम्स में चेंज होगा अगर क्रोमोजोम्स में जो जीन्स है उसमें किसी तरह के चेंजेस आ जाए आइधर उनके नंबर में या फिर उसके अरेन्जमेंट में इमेजिन कि क्रोमोजोम में ये सारे जो जीन्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच ये जीन्स है तो इसके या तो नंबर्स में चेंज आ जाए या फिर इसके अरेन्जमेंट में चेंज आ जाए तो ऐसे चेंजेस को कहते हैं क्रोमोजोमल एब्रेशन सो दिस इज द चेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ जीन्स इन द क्रोम के जीन्स के नंबर या उसके अरेंजमेंट में चेंज तो ये कुछ टाइप्स के होते हैं ये होते हैं चार टाइप्स के डिलीशन डुप्लीकेशन इनवर्जन एंड ट्रांसलोकेशन तो फर्स्ट वी विल सी दी डिलीशन डिलीशन का मतलब डिलीट होना कुछ कुछ हट जाना गायब होना तो डिलीशन में क्या होता है इट इज एग्जैक्टली दी लॉस ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोजोम मीन्स एक पर्टिकुलर जो सेगमेंट है कुछ सेगमेंट जिस जिसके वजह से जो वह, उस क्रोमोजोम पे प्रेजेंट जीन्स है वो भी वहां से हट जाएंगे सो लॉस ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोजोम इज नोन एज डिलीशन अब डिलीशन जो है वो दो तरह के हो सकते हैं टर्मिनल डिलीशन भी हो सकता है और इंटरस्टिशियल डिलीशन भी हो सकता है मीन्स टर्मिनल मीन्स क्रोमोजोम्स जो है क्रोमोजोम्स पे से जो सेगमेंट डिलीट होगा वो या तो इस एंड से हो या फिर इस एंड से हो और इंटरस्टिशियल डिलीशन का मतलब होता है क्रोमोजोम्स में से जो सेगमेंट डिलीट होगा वो किस कहीं बीच से डिलीट हो या बीच से हटे जैसे कि यहां देखिए ये डी ई एफ और जी एच ये जो है क्रोमोजोम्स के ऊपर ये जीन्स है राइट अब अगर इसमें डिलीशन ए और बी का ये एक टर्मिनल पे इस लेफ्ट साइड के टर्मिनल से होता है तो डिलीट होने के बाद जो क्रोमोजोम होंगे वो कैसे होंगे सी डी ई एफ जी एच तो में ये वाला पोर्शन जो है वो डिलीट हुआ क्योंकि ये टर्मिनल से हुआ है, एक एंड से हुआ हुआ एक एंड हम कह रहे हैं टर्मिनल डिलीशन नेक्स्ट नेक्स्ट डिलीशन इज इंटरस्टिशल डिलीशन मतलब बीच में से अब ए बी सी डी ई एफ और जी एच इस जो ये जो ये क्रोमोजोम है उसमें से ये सी और डी वाला जीन जहां पर है वो वाला सेगमेंट जो है वो डिलीट हो जाए तो हमारे पास क्या होगा जो क्रोमोजोम होगा वो होगा ए बी ई एफ जी एच मीन्स ये बीच वाला जो सेगमेंट है वो डिलीट हुआ सो इट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल डिलीशन नेक्स्ट इज क्रोमोजोमल एब्रेशन इज ड्यूप्लीकेशन ड्यूप्लीकेशन का मतलब कोई भी सेगमेंट जो है उसका डबल हो जाना मीन्स जो क्रोमोजोम्स पे जो भी आप कह सकते हैं जो डीएनए है जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसका कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस डबल हो जाए राइट right? उसका ड्यूप्लीकेशन हो जाए तो उसे हम कहते हैं ड्यूप्लीकेशन टाइप ऑफ क्रोमोजोमल एबरेशन इसमें होता है क्या है इट इज एग्जैक्टली द अटैचमेंट ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोजोम सेगमेंट इन अ नॉर्मल लेंथ क्रोमोजोम अब फॉर एग्जांपल यहां देखिए ये यह जैसे सी टी जी सी सी ए ए सी जी जी सी टी ये पूरा एक क्रोमोजोम है ठीक है क्रोमोजोम का जो है सेगमेंट है जिसमें ये डीएनए है ठीक है अब होता क्या देखें कि अगर अगर ये जो जी सी सी ए ए और सी ये वाला जो पोर्शन है जो कि जिस एरिया में ये जो क्रोमोजोम का सेगमेंट है अगर इसका ड्यूप्लीकेशन हो जाए ये एक्स्ट्रा ऐसा ही सेम अटैच हो जाए आगे तो अगर सेम यहाँ अटैच होगा तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है ये ड्यूप्लीकेट हो गया है यहाँ सेम टू सेम एक एग्जैक्टली exactly यही सेगमेंट यहाँ गया है तो क्योंकि सेम टू सेम यही सेगमेंट यहाँ आया है और इस वजह से chromosomes का जो लेंथ है इसमें इसमें क्या हो रहा है? इस change हो रहा रहा है 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 चेंज तो इस तरह का जो भी अटैचमेंट एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सेगमेंट का नॉर्मल क्रोमोजोम में उसे हम कहते हैं ड्यूप्लीकेशन म्यूटेशन नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रोमोजोमल एब्रेशन इज इनवर्जन इनवर्जन मतलब इनवर्ट होना कुछ बिल्कुल इन्वर्ट हो जाना मतलब आप कह सकते हैं जैसे ये है ये कंप्लीटली ऐसे इन्वर्ट हो जाए तो इन्वर्जन इस टाइप के जो क्रोमोजोमल एब्रेशन होते हैं इसमें क्या होता है इसमें एग्जैक्टली exactly जो क्रोमोजोम का कोई पार्ट है कोई एक सेगमेंट जो होता है वो 180 डिग्री पे पूरा ऐसे 180 डिग्री पे पूरा का पूरा इन्वर्ट हो जाता है राइट जैसे आप देखें इसमें जैसे ए बी सी डी ई एफ एन जी एच आई अब ये क्या होगा सपोज ये सी सी डी ई ये वाला जो क्रोमोजोम का सेगमेंट है ये पूरा 180 डिग्री इन्वर्ट हो रहा है बिल्कुल ऐसे इन्वर्ट हो जाए 180 डिग्री पे तो इन्वर्जन म्यूटेशन होता है अब अगर ये पूरा का पूरा इन्वर्ट हो 180 डिग्री पे तो आप देख सकते हैं कि रीडिंग में क्या हुआ ए बी राइट सी डी ई जो है वो कंप्लीटली इन्वर्ट हुआ यानी अब ये हो गया ई e, डी और सी तो यहां जो रीडिंग है जीन्स की जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो गई ई डी सी राइट अब यहाँ ई एफ के बजाय सी एफ है और बी सी के बजाय डी ई है बी ई है अब यहाँ डी तो वहीं पर है बगर ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है वो क्या हुआ है ऐसे पूरा का पूरा वन एटी डिग्री पर इन्वर्ट हो गया है तो इस तरह का जो अगर कोई सेगमेंट इफ अ सेट सेगमेंट ऑफ क्रोमोजोम इफ अ सेगमेंट और अ पार्ट ऑफ क्रोमोजोम गेट इन्वर्टेड बाई वन एटी डिग्री

एक्सचेंज होना इन दो क्रोमोजोम्स के सेगमेंट का एक्सचेंज होना अब आप ये कहेंगे कि ये एक्सचेंज तो म्योसेस के दौरान होता ही है राइट लेकिन यहां डिफरेंस ये है कि अब जैसे ये एक होमोलोगस पेयर है ये दूसरा होमोलोगस पेयर है ये ये दोनों पेयर्स हैं ये दोनों पेयर्स हैं अब अगर ये होमोलोगस पेयर्स के बीच में ये जेनेटिक एक्सचेंज हो मीन्स ये अगर ये एक्सचेंज ये वाला जो जीन्स सेगमेंट्स का एक्सचेंज अगर पेयर में हो तो उसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं बट अगर ये क्रोमोजोम्स के सेगमेंट का एक्सचेंज जो जेनेटिक एक्सचेंज है वो नॉन होमोलोगेसपेयर के क्रोमोजोम्स में हो तो उसे हम म्यूटेशन कहते हैं दैट इज ट्रांसलोकेशन अब ये दो पेयर्स है इन दोनों में अगर एक्सचेंज हो और इन दोनों में तो वो क्रॉसिंग ओवर मगर अगर इस क्रोमोजोम में क्रोमोजोम पेयर वन के इस क्रोमोजोम में और पेयर टू के इस क्रोमोजोम में अगर किसी भी तरह का जेनेटिक एक्सचेंज होता है क्रोमोजोम्स के सेगमेंट का एक्सचेंज होता है वो म्यूटेशन होगा एंड दैट इज ट्रांसलोकेशन सपोज कि ये देखें ये दो अब यहां इसका होमोलोगस पेयर यहां पर है राइट right? इसका अपना होमोलोगस पेयर है और इसका भी अपना होमोलोगस पेयर है बट अब यहां पर अगर ये जो होमोलोगेसपेयर का ये क्रोमोजोम और ये इस होमोलोगे का ये क्रोमोजोम में अगर जेनेटिक एक्सचेंज हो सेगमेंट्स क्रोमोज़ोम्स के एक्सचेंज हो तो देखिए इसे ट्रांसलोकेशन कहेंगे अब देखिए यहां जो है जीन से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड दूसरा जो क्रोमोजोम है उसमें है के एल एम ओ पी मीनस ये दो अलग क्रोमोजोम्स हैं यहां पर इमेजिन ये ओ पी ये जो सेगमेंट है ये एनओ जीन कंटेनिंग दिस सेगमेंट ये जो, जो क्रोमोजोम का सेगमेंट है और एच आई जीन कंटेनिंग दिस क्रोमोजोम जो ये सेगमेंट है ये अगर एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाए मीन्स ये इस क्रोमोजोम में ब्रेक डाउन होकर चला जाए और ये ब्रेक डाउन होकर के इस वाले क्रोमोजोम में अटैच हो तो अब देखिए कि इसमें कन क्या चेंज आएगा ये जो है अब ए बी सी डी ई यहां तो कोई चेंज नहीं आया एफ और जी तक भी कोई चेंज नहीं था बट क्योंकि अब ये वाला सेगमेंट क्रोमोजोम का ब्रेक डाउन होकर इधर आया और एनओपी पी वाला इस क्रोमोजोम इस में ऐड हुआ है तो अब यहां पर जो रीडिंग हो गई वो एफ जी ओ पी और एच आई किस में आया इस वाले में मीन्स के एल देन हियर इट इज एम एन और फिर उसके बाद ये जो ये एम है और इसके बाद एनओ पी ना होकर के यहाँ पर एच आई है ओके के एल है और एम है बट उसके बाद क्या है एनओ पी हट करके एच आई है तो

इट ऑकर्स ड्यू टू दी म्यूटाजींस ना म्यूटा ये म्यूटा क्या है एग्जैक्टली म्यूटाजींस आर ऑल दी बायोलॉजिकल केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स जो भी बायोलॉजिकल केमिकल और फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से म्यूटेशन हो उसे हम कहते हैं म्यूटाजींस दे आर कॉल्ड एज म्यूटाजींस ऑल बायोलॉजिकल केमिकल फिजिकल फैक्टर्स विच ब्रिंग्स म्यूटेशन इज कॉल्ड एज म्यूटाजींस जैसे कि यूवीरेज जो अल्ट्रा रेज होते हैं कामा रेज होते हैं टेम्परेचर नाइट्रस एसिड फिर एकडीन अब यूवी रेज और गामा रेज जो है ये फिजिकल हो गए मीन्स टेम्परेचर की वजह से रेज की वजह से तो ये जो फैक्टर है रेज और टेम्परेचर ये फिजिकल म्यूटाजींस है नाइट्रस एसिड एक्रीडीन ये केमिकल्स है तो ये केमिकल म्यूटाजीन्स हो गए जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है और अगर किसी बायोलॉजिकल म्यूटाजीन की बात करें तो वायरसेस वायरसेस की वजह से म्यूटेशंस होते हैं ओके okay? so this was all about mutation and mutagenes so students that's all for this video in next video i will start the topic pedigree analysis till then stay home stay safe use mask use sanitizer and maintain social distancing have a nice day